लाइट चली जाती है। तो आप कैसे तंग हो लाइट से? मैं बहुत ही ज्यादा तंग हूँ, हमेशा पूरे हरियाणा में जाती है। अच्छा, जब सुबह स्कूल जाते हो तो तब होती है लाइट? होती तो है कभी कभी। तो आप नहा के जाते हो या ऐसे चले जाते हो? नहा के जाता हूँ। नहा के जाते हो? जब मैं आता तो लाइट पूरी जाई होती है। तो लाइट होती है स्कूल में? नहीं, इतनी नहीं होती। पंखे चलते हैं? चलते हैं कभी कभी कभी। तो क्या कहना चाहोगे फिर आप? क्या कहना है आपको गवर्नमेंट को, क्या करे वो? वो हमें वो कभी लाइट को जाने ना पाए। लाइट ना जाने पाए? पक्का? हाँ पक्का। आप पढ़ाई कर कौन सी क्लास में हो? फोर्थ क्लास में हो। तो आप देखते बच्चे हैं यहाँ पर जो काफी खेल रहे हैं, अभी शायद इन्हें पता नहीं है कि कितनी समस्या है। आप बात करना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? लाइट चली जाती है। तो आप कैसे तंग हो लाइट से? मैं बहुत ही ज्यादा तंग हूँ, हमेशा पूरे हरियाणा में जाती है। अच्छा, जब सुबह स्कूल जाते हो तब होती है लाइट? होती तो है कभी कभी। तो आप नहा के जाते हो या ऐसे चले जाते हो? नहा के जाता हूँ। नहा के जाते हो? जब मैं आते तो लाइट पूरी जाई होती है। तो लाइट होती है स्कूल में? नहीं, इतनी नहीं होती। पंखे चलते हैं? चलते हैं कभी कभी कभी। तो क्या कहना चाहोगे फिर आप? क्या कहना है आपको गवर्नमेंट को, क्या करे वो? वो हमें वो कभी लाइट को जाने ना पाए। लाइट ना जाने पाए? पक्का? हाँ पक्का। आप पढ़ाई कर कौन सी क्लास में हो? फोर्थ क्लास में हो। तो आप देख रहे हैं एक छोटा सा चौथी क्लास का बच्चा है जिसे शायद अभी पता भी नहीं है कि असली समस्या क्या है, लेकिन वो भी कह रहा है क्योंकि ऑब्वियसली सब गर्मी की वजह से परेशान है। तापमान पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इस समय भी आप देख सकते हैं अंधेरा होने को आया लेकिन हमें अभी भी पसीने आ रहे हैं। तो बिजली बहुत ज़रूरी है, ये जो समस्या है बहुत बड़ी है। अब हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या समस्याएँ हैं।